हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दिन जान बोल रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्त, हम आज बात करने वाले हैं जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं, जैसे हम लोग ही फंसे हैं। अभी तक जो भी चल रहा था वो ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद और हम लोग भी और आप सब भी मालूम है कि अब इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों को भी बोला है कि हम अपने प्रवासी से बुलाना चाहते हैं, बुला सकते हैं, हम उसकी मदद करेंगे। हम तो निवेदन है कि योगी अपने यूपी वालों को जहाँ दूसरे राज्य फंसे उनको बुलाने का प्रबंध जरूर करें। अभी तक हम लोग का जो भी कमाई था वो ठीक चल रहा था, अभी जो भी खाए पिए सही था, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक महीना हो गया हम लोग भी बैठे हैं, आप किसी जगह पर छोटे से रूम में हम लोग हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते, बैठ के आराम से खा रहे हैं। अगर कोई भी साधन कोई भी चीज़ का तो हम लोग गाँव अभी हम लोग कंपनी में पगार भी नहीं कर पाए, हम लोग कंपनी का पगार भी नहीं जाए और जो भी हालत और पूरा देख ही रहा लॉकडाउन की वजह से लोग इधर हमारे मोहल्ले में भी इधर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी 5-6 निकला, उससे पूरा मोहल्ला ही कर दिया गया है। जिसमें कोई जा सकता है ना कोई जा सकता है, कभी कभी लाइट भी चली जाती है तो गर्मी से बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतनी गर्मी है पूछिए मत, पूरा शरीर भी गर्मी कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम और भी लोगों जो प्रवासी लोगों को बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं, प्लीज आप लोग हम लोग को मदद कीजिए ताकि हम लोग भी अपने गांव वापस आएं। भले हम 14 दिन या 20 दिन जो भी रहना पड़े क्वारंटाइन में रहेंगे या ठीक से चलेगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल घर पर अपने गांव जाने के लिए कोई प्रबंध कीजिए ताकि हम लोग भी अपने गाँव पहुँच सकें। राजनीति के लिए नहीं, वो नहीं, हम लोग 20 दिन से भी वैसे फंसे हुए हैं, कोई हालत हम लोग का ख़राब होने वाला है। अभी तक तो कई साल जिसके बाद और लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। निवेदन है कि हम लोग को भी यूपी बुलाने का कोई प्रबंध कीजिए, जैसे आप दूसरे को दूसरे प्रदेश में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हमारी भी अपने यूपी वालों को बुलाने की मदद कीजिए। आप जो भी हम लोग को चाहता हम लोग खाए कि अभी उम्मीद ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं। कंपनी खोलने वाला था लेकिन अभी जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ भी इंडस्ट्री दे दिया गया, तकरीबन 19 तो कल मिले हैं जिसमें पूरा कंपनी सील हो गया। हम लोग को भी कुछ चांस था काम करने का, नहीं जाएंगे उधर टाइम भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं होता है तो प्लीज़ आप नहीं होता है कि आप जरूर कीजिए ताकि हम लोग भी अपने वहाँ पर पहुँच सकें। जो इसके काम कर रहे हैं आपके मदद कीजिए, नए नए लाखों लोग हैं जो दूसरे प्रदेश से आए थे। हम लोग मुंबई में इस समय जो नवी मुंबई पूरी तरह से हरे हुए हैं, तो पूरा पूरा मुंबई ब्लॉक कर दिया गया, न कोई घर जा सकता है न कोई जा सकता है। तो हम आपसे मिलेंगे तो प्लीज आपको और कुछ नहीं है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हम लोग कोई बुलाने कुछ के।